नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की होगी। आज किसानों की सरकार के साथ बहुत अहम बातचीत होने जा रही है कि आज निकल पाएगा समाधान। बातचीत से पहले किसानों ने क्या कहा, पश्चिम बंगाल में क्यों मचा हुआ है बवाल। देश की सभी बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर 40 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों की आज केंद्र सरकार के साथ अहम बातचीत होनी है। बातचीत से पहले किसानों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उन्हें तीनों कानून को वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। पिछली बातचीत में पराली और बिजली पर सहमति बनी थी। बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो 13 जनवरी को नए कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस भी मनाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में घुसकर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज किसानों और सरकार के साथ होने वाली बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि सरकार एमएसपी को लेकर कोई रास्ता निकाले। हालांकि सरकार ने पिछली बातचीत में किसानों से कहा था कि कानून किसानों के हित में है और इसे वापस लेना संभव नहीं है। हरियाणा के पंचकुला में प्रदर्शनकारी किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। सैकड़ों किसान पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर पिछले 9 दिनों से कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी दौरान खट्टर का काफिला गुजरा तो किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। किसानों के आंदोलन को लेकर सोनिया गांधी ने बयान जारी कर कहा कि हाड़ कपकपाती ठंड और बरसात में दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में 39 दिनों से संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं की हालत देखकर देशवासियों सहित मेरा मन भी बहुत व्यथित है। आजादी के बाद देश के इतिहास में यह पहली ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिसे अन्नदाताओं की पीड़ा नजर नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। पीएम नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निदेशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय मानक समय 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता के साथ देता है। इस दौरान पीएम नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की नींव रखेंगे। पश्चिम बंगाल के कांती में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली के बाद वापस लौट रहे पार्टी कार्यकर्ताओं पर गुंडों ने हमला बोल दिया। हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाकेबंदी कर टीएमसी और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस हमले के बाद एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 9 जनवरी को बंगाल दौरे से पहले राज्य के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय आज कोलकाता में रोड शो करेंगे। दोपहर 2:30 बजे ये रोड शो शुरू होगा। इसमें पश्चिम बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेता और भारतीय जनता युवा मोर्चा भी शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के आगे के इलाज को लेकर मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट देवी शेट्टी आज कोलकाता पहुंचेंगे और गांगुली के इलाज को लेकर डॉक्टरों से बात करेंगे। शनिवार की शाम को गांगुली की एंजियोप्लास्टी हुई थी। कल पीएम मोदी ने भी गांगुली की सेहत की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।